video, and every video is quite interactive. We are getting very good response from it. तो ये आ गया है कोलाबोरेशन. अब है सोशल मीडिया प्रमोशन. यूटिलाइज प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक टू प्रमोट योर यूट्यूब अकाउंट. शेयरिंग स्नैपेट्स बिहाइंड द सीन कंटेंट्स एंड अपडेट कैन ड्राइव ट्रैफिक टू योर चैनल. तो अनदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता लगी है. खैर पता तो सबको है. जो मेरा कंसर्न है वहाँ पे ये है कि ये आपके ऊपर है कि यू वाना यू नो गो फॉर पेड प्रमोशन. और यह आपका सबका एक एक फेसबुक यूट्यूब अकाउंट तो बना ही होगा. डेफिनेटली आप वहाँ पर जाइए, जो आपका चैनल है उसको जरूर पोस्ट कीजिए, और ये सब कर ही रहे होंगे. ठीक है, इसमें कोई बहुत ही नई बात नहीं है. द थिंग इज़, जो मैं सोच रहा था कि यार पेड प्रमोशंस, राइट, पेड प्रमोशंस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए कि नहीं, वो तो खैर किसी की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, राइट, जैसा भी आपको ठीक लगे. ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शंस एंड टैग्स, राइट, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शंस दैट प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर योर वीडियोस, यूज रेलिवेंट टैग्स दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर कंटेंट टू इंप्रूव सर्चेबिलिटी. तो ये बात हम पहले भी कर ही चुके हैं अभी, कि जो आपका वीडियो का कंटेंट कह रहा है, ठीक है, जो आप वीडियो में कह रहे हो वही डिस्क्रिप्शन में है, उससे मिलता जुलता ही टाइटल हो और उसी के रेलिवेंट टैग्स हो. क्योंकि अगर इस चीज़ का मिसमैच है तो यूट्यूब एल्गोरिदम में आपके नंबर माइनस हो गए. ऊपर से देखने वाला जो क्लिक करेगा, आपका टाइटल देख के क्लिक करेगा, उसे वो कंटेंट नहीं मिलेगा, तो फिर वो डेफिनेटली वो दोबारा नहीं आएगा आपके चैनल पर, राइट. तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें. हाँ, प्लेलिस्ट, ये एक अच्छा फीचर लगता है मेरे को. आप अपने जो चैनल, जो जो आपके वीडियोस जिस जिस तरह के हैं, सपोज करिए आपका एक व्लॉगिंग का वीडियो, आप उसकी व्लॉगिंग की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए. सपोज करो आप कुछ एंटरटेनमेंट बना रहे हैं ना, अपने स्किट्स बनाए या कुछ भी किया है, उसका एक तरह की प्लेलिस्ट बना दीजिए. एक तरफ आप एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं तो उसकी आप एक अलग प्लेलिस्ट बना लीजिए. सो ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके चैनल पे आएगा तो उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके एक वीडियो, वन वीडियो आफ्टर द अनदर चलता रहेगा. ये बहुत मदद कर सकता है आपके सारे के सारे व्यूअर्स को. बार बार इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ रहा है और उनको कंटेंट उनका एक ही जगह पर मिल रहा है जो वो देखना चाहते हैं. एंगेज व्यूअर्स क्यूरियोसिटी, टीज अपकमिंग कंटेंट और आस्क क्वेश्चंस दैट पीक व्यूअर्स क्यूरियोसिटी, एनकरेजिंग देम टू सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड. अब ये आपने कैसे करना है कि ये कह रहे हैं कि एंगेज एक व्यूअर को आप क्यूरियोसिटी बना के रखिए, जो आपका अपकमिंग कंटेंट आ रहा है उसका छोटे छोटे टीजर दे दीजिए, राइट. जैसे कि नॉर्मली मूवीज़ का भी तो ट्रेलर आता है. तो सपोज करो आप कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाले हो आज से 3 दिन बाद, आज ही उसका आप 1 मिनट का, या लेस देन 1 मिनट ऑल्सो, 10 सेकेंड्स का भी आप एक स्नैपेट छोटा सा डाल दीजिए कि ये वीडियो कंटेंट उस दिन आ रहा है, जिससे कि आपके चैनल की एक ब्रांड अवेयरनेस और कंटेंट अवेयरनेस दोनों बनी रहेगी. ठीक है जी. कॉल टू एक्शन, इंक्लूड क्लियर CTAs इन योर वीडियोस. ठीक है जी. आस्किंग व्यूअर्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कंटेंट, प्लेसिंग CTAs स्ट्रैटेजिकली कैन लीड टू हायर एंगेजमेंट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप जो अपना CTA कॉल टू एक्शन क्लियरली डिफाइन करिए, हर वीडियो में एक बार ज़रूर बोलिए कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल. बिकॉज कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो, हाँ, जिन्हें कंटेंट अच्छा भी लगता है बट वो सपोज करिए अपना कुछ काम कर रहे हैं, साथ साथ आपके वीडियो में भी सुने जा रहे हैं या साइड बाय साइड देख देख रहे हैं उसको. तो अगर आप उनको कहेंगे इस लाइक करो तो वो उनको तभी ध्यान आएगा, अच्छा हमें लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, वो तब करेंगे. तो अपने जो CTAs हैं कॉल टू एक्शन को क्लियरली डिफाइन कीजिए. ठीक है जी. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिक्स. स्टडी योर यूट्यूब एनालिटिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विच वीडियो परफॉर्म वेल एंड वाई. दिस कैन गाइड योर कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड हेल्प यू मेक इन्फॉर्म डिसीजन्स. ये समझिए, एनालिटिक्स जो है, यूट्यूब एनालिटिक्स, उसको पढ़ने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब एनालिटिक्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि जो नए, क्योंकि ये वीडियो है ही नए यूट्यूबर्स के लिए. तो डेफिनेटली आपने अभी तक आपका चैनल इतने यू नो ग्रोथ पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है कि आप उसके एनालिटिक्स समझ पाए. जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश यूट्यूबर्स हैं डेफिनेटली वो तो एनालिटिक्स को किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं. तो अपने चैनल के एनालिटिक्स को पढ़िए, समझिए, और उससे आप जान पाएंगे कि किस तरह का व्यूअर,
किस तरह का वीडियो आपका लोगों को ज़्यादा पसंद आया और किस तरह का नहीं पसंद आ रहा है, कौन से टाइम वीडियो पोस्ट किया हुआ ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कौन से टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, और इससे आपको अपनी नीश का भी पता लगेगा। ठीक है, मैं ये खुद भी देख रहा हूँ कि जिस जिस तरह पे आपको पता लग रहा है कि अच्छा इस नीश पे आपको ज़्यादा उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस नीश की तरफ टारगेट करिए, रादर देन गोइंग टू दोज नीशेज जिन वीडियोज़ पे हार्डली आपके बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो ये आपको एनालिटिक्स बहुत ही मदद करेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी, दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। ठीक है जी, आप हमेशा 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 क्वालिटी ऑफ कंटेंट को प्रायोरिटाइज कीजिए रादर देन क्वालिटी। ये नहीं कि चलो ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, वो भी डाल दे, नहीं। आप जो कम से कम अपने चैनल पे डाल रहे हैं, जो भी लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, जब वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका भी एक फ़र्ज़ बन जाता है कि जो वो टाइम दे रहे हैं आपको, उसका आप पूर्णतः उनको उस टाइम की रिस्पेक्ट करें, उनको उस टाइम की वैल्यू प्रोवाइड करें। तो एक क्वालिटी कंटेंट डालें हमेशा, जिससे कि व्यूअर्स का आपके चैनल पर एक भरोसा बनेगा और वो दोबारा आपके चैनल को आएंगे, देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वेरी बेनिफिशियल। आप ट्रेंडिंग टॉपिक, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से हम ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो गूगल ट्रेंड्स से आप देख के उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हैं, बट मेक श्योर वो आपकी नीश के साथ इधर उधर ना जाए। लाइक मेरी चैनल की नीश है शेयरिंग वैल्यू, तो मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट ही पोस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं कहीं पर डांस वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि वो मेरे चैनल का नीश नहीं है। मान लीजिए कोई सॉन्ग आ रहा है, बहुत पॉपुलर हो गया है, भैया मैं उसका डांस वीडियो नहीं डालने वाला। तो अपनी नीश पे रहिए। मैं जैसे मेरी चैनल है शेयरिंग वैल्यू, तो वो मैं वैल्यू शेयर कर रहा हूँ। मे बी इट इन एनी अकॉर्ड इन योर लाइफ, लाइक दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू ग्रो योर चैनल, इट्स एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। इस तरह से अपनी नीश पे रहिए, राइट। एस ई ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रिसर्च एंड अप्लाई एस ई ओ टेक्निक्स टू यूट्यूब, इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजिंग योर चैनल्स अबाउट सेक्शन विद रेलिवेंट कीवर्ड। जनरली एस ई ओ जितना आपका अच्छा होगा, जितनी चीज़ें उसको जितना ऑप्टिमाइज रहेगा, उस हिसाब से आपका चैनल ग्रो कर सकता है, करने के चांसेस ज़्यादा है, रैदर देन समथिंग जिसका एक एस ई ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है। और एस ई ओ के लिए वही जो चीज़ बताई गई थी, थंबनेल, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का एक पूरा सिंक हो। एंड आने वाले टाइम में हम और वीडियो बना सकते हैं इसकी स्पेसिफिकली इन इन चीज़ों के लिए। अब 18th पॉइंट ये कह रहा है, लर्न एंड अडैप्ट, स्टे अप टू डेट विद चेंजेस इन यूट्यूब एल्गोरिदम ट्रेंड्स व्यूअर्स प्रेफरेंसेस, अडैप्ट योर कंटेंट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। ये हर एक को अपने हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से जो भी वो कंटेंट देख रहे हैं, आपको अप टू डेट रहना है, यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ अपडेट रहना है, करंट ट्रेंड्स जाना है, व्यूअर क्या प्रेफरेंस कर रहे हैं, इन सबको देखते देखते आपको अपने यूट्यूब चैनल को एक सही डायरेक्शन पे लेकर जाना है। और लास्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ग्रोइंग ए यूट्यूब चैनल इज ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, होते होते ही होगा, तो इम्पेशेंट ना हो जाएं, इसमें पेशेंस रखें। इसमें वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जो कंसिस्टेंट हैं कि हाँ जी हमें एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालकर पोस्ट करना है अपने यूट्यूब्स के लिए। एटलीस्ट कम से कम आप 1 से 2 वीडियो पर वीक तो डालें ही डालें, इतना मैं सजेस्ट करूँगा। और कीप एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल और कीप शेयरिंग वैल्यू। हम और भी ऐसे वीडियोज़ के साथ जिसमें हम वैल्यू शेयर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।